हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में यहां पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो एग्ज़ाम 2023 में आपका होने वाला है उससे रिलेटेड जीके और जीएस के जो आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका ये हमारा सेशन नंबर 30 है मॉक टेस्ट ये हमारा थर्टी नंबर है इससे पहले के सेशन आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर जाकर या चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे और ये सेशन हमारा प्रतिदिन शाम को सात बजे से स्टार्ट होता है दोस्तों और ये आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको समाहित इसमें किया गया है साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हैं पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसीलिए इन क्वेश्चंस को इस सेशन में रखा गया है तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें और यदि आप एस एस के अतिरिक्त यदि आप के वी एस सुपर टेट रेलवे एन पुलिस एस एस SI, सी एस और यू पी पैट यू पी एंट्रेंस एग्जाम आदि की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों तो सेशन में बने रहें स्किप ना करें सेशन पूरा देखें बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अक्टूबर उन्नीस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे तो कौन मुखिया थे ये आपको बताना है ऑप्शन दे रखा है एक एच के सरकार दूसरा है पीसी जोशी तीसरा एम सी झागला चौथा है एम एन रॉय फ़टाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे और आंसर कमेंट करने का तरीका दोस्तों आपका यही है कि यदि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसके बाद आपका ए सही है तो ए बी सही है तो बी सी सही है तो सी और डी सही है तो डी इस तरह से आप अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं कमेंट करने का आपको एक तरीका एक फायदा ये होता है कि यदि आप आंसर कमेंट करते हो तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास आपका दृढ़ रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है नहीं आता है तो आप इस सेशन को देखिए आपको जो भी सेशन में क्वेश्चन को समाहित किया गया है वह सभी सेशन क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो एम एन रॉय हो जाएगा कौन हो जाएगा एम एन रॉय जो एक अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र भारतीयों के समूह के जो मुखिया थे वह कौन थे एम एन रॉय थे ऑप्शन डी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं रंग राजन समिति का संबंध किस घटक से था तो बात करते हैं यहाँ पर रंग राजन समिति का संबंध था किस घटक से था ऑप्शन ए दे रखा है अनुतान भुगतान संतुलन घाटा दूसरा है अब मूल्यन तीसरा कर संशोधन चौथा कृषि मूल्य नीति फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा जो रंगराजन समिति थी उसका जो घटक था किसके लिए समिति बनाई गई थी ये आपको बताना है तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन घाटा भुगतान संतुलन घाटा के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर लेकर आता है तो यहाँ बात करते हैं सर जॉन मार्शल दूसरे हैं आर डी बनर्जी तीसरे हैं, एक अनिंगम चौथे हैं दयाराम साहनी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल है हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता से ही संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वह सिंधु नदी सिंधु नदी नदी और घग्घर नदी घग्घर घग्घर नदी के जो सिंधु नदी और घग्घर नदी थी उनके किनारे ही इनका विकास हुआ था और बात करते हैं जहां तक हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी ने की थी किसने की थी दयाराम साहनी ने और कब की थी तो 1921 में की थी कब की थी 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी सभ्यता की खोज की थी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये आर डी बनर्जी हैं यानी राखल दास बनर्जी हैं इन्होंने किसकी खोज की थी तो इन्होंने मोहन जोदड़ो की खोज की थी मोहन जोदड़ो जोदड़ो मोहन जोदड़ो की इन्होंने खोज की थी किसने की थी बनर्जी ने यानी के राखल दास बनर्जी ने और मोहन जोदड़ो को मृतकों का टीला मृतकों मृतकों का टीला भी कहा जाता है ये आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वह कौन कौन से थे ये भी आपको याद होना चाहिए तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा आपका कहाँ पर है ये हड़प्पा आपका पंजाब में है कहाँ पर पंजाब और पंजाब कौन सा जो पाकिस्तान में है किस में है पाकिस्तान में जो है पंजाब वो हड़प्पा सभ्यता का वहाँ पर है और मोहन जोदड़ो की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो भी सिंध में है सिंध सिंध कहाँ पर है वो भी पाकिस्तान में है ये भी आपको याद रखना है बात करते हैं लोथल की लोथल जो स्थल है लोथल वह कहाँ पर है तो यह गुजरात में है गुजरात में यानी कि यह या इंडिया में है और बात करते हैं यहाँ पर आलमगीरपुर की तो आलमगीरपुर कहाँ पर है दोस्तों आलम आलमगीर आलमगीरपुर आलमगीरपुर कहाँ पर है तो आलमगीरपुर आपका है उत्तर प्रदेश के मेरठ में कहाँ पर है मेरठ में आलमगीरपुर जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है कालीबंगा कहाँ पर है तो राजस्थान में है हनुमानगढ़ ज़िले में राजस्थान में कालीबंगा है ये आपको याद रखना है तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वह क्लियर हैं इसका जो करेक्ट आंसर था आपका दयाराम साहनी राइट right आंसर था ऑप्शन डी एकदम से राइट right आंसर है आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आता है for, for, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते थे तो जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर तीर्थ करते वह कौन से थे ऑप्शन ए है पहले दूसरा है दस में तीसरा अठारह में चौथा है चौबीस में तो दोस्तों जो जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर तीर्थ करते वह कौन से थे आपको बताना है इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर देंगे तो महावीर स्वामी जो थे चौबीस में तीर्थकर थे कौन से थे चौबीस में तीर्थकर अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की तो इनको वर्धमान भी कहा जाता है वर्धमान वर्धमान भी महावीर स्वामी को कहा जाता है और यहां पर इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था कहां पर वैशाली में वैशाली कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था और वैशाली वर्तमान कहाँ पर है बिहार में है कहाँ पर बिहार में वैशाली है ये आपको याद रखना और किस परिवार में हुआ था तो इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था क्षत्रिय परिवार में क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था इन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में ही जो पारिवारिक जीवन होता है उसको त्याग दिया था ये आपको याद रखना है और बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था तो इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था क्या था सिद्धार्थ सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और माता का नाम जो था माता का जो नाम था वह त्रिशला था क्या था त्रिशला त्रिशला माता का नाम था ये भी आपको याद रखना है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके कि चौबीसवें तीर्थकर कौन थे महावीर स्वामी थे तो इनसे पहले तीर्थकर कौन थे तो वह पार्श्वनाथ थे कौन थे पार्श्व पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जो कितने में तीर्थ करते तो वह तेईस में तीर्थ करते ये भी आपको याद रखना है और पहले अगर तीर्थ कर की, अगर बात की जाती है, तो थे ये आपको याद रखना है तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो तीर्थकर थे वह कौन से तीर्थंकर थे तो चौबीस में तीर्थंकर थे ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आता है भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुए क्वेश्चन दे रखा है भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुए तो ऑप्शन एक है ए है पंद्रह अगस्त 1947 दूसरा है छब्बीस जनवरी 1949 तीसरा है एक अप्रैल 1951 चौथा है एक मई 1956 करेक्ट आंसर इसका आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए थे ये आपको बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अप्रैल उन्नीस राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा अब आर्थिक नियोजन एक अप्रैल उन्नीस में हुआ था और तभी से पंचवर्षीय पंच वर्षीय पंच योजना काल वर्षीय योजना काल भी आपका आरंभ हुआ था यह आपको याद रखना है फिलहाल में पंचवर्षीय जो योजनाएं थी वो कुल मिलाकर बारह थी और बारहवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह दो से लेकर सत्रह तक था लेकिन अभी एन सरकार ने एन सरकार ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया है बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी ये उनका कहना है और यहाँ पर बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो उसका उन्नीस से लेकर 1956 तक का कार्यकाल था और योजना अवकाश की अगर बात आती है तो 1966 से लेकर उनहत्तर तक का जो काल होता है हमारा वो योजना अवकाश काल कहलाता है तो ये चीजें आपको याद रखनी है तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी एक अप्रैल उन्नीस को भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आता है अगला छठवां क्वेश्चन है कि मगध क्वेश्चन ये है मगध के बारे में मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही है ऑप्शन दे रखा है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद ने की थी दूसरा आता है महापदम नंद ने इस, इस सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा यानी छत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि भी धारण की थी किसने महापदम नंद ने तीसरा आता है गिरिब्रज राजग्रह पाटलपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी चार राजधानियां बनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे जो भी इसका आंसर सही है आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मगध साम्राज्य की तो मगध जो साम्राज्य था वह सोलह महाजनपदों में से सोलह महाजनपद महाजनपद सोलह महाजनपदों में से एक था और इसकी जो राजधानी थी वह राजगीर थी क्या थी राजग्रह या राजगीर थी यानी गिरिब्रज किसकी महाजनपद में मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजग्रह भी इसकी थी और पाटलपुत्र भी थी एवं वैशाली भी थी ये सभी इसकी राजधानियां थी और इसकी अगर बात की जाए कि यह इस कौन कैसा युग था तो यह लौह युग था कैसा युग था लौह योग था ये आपको याद रखना है बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की तो इसमें जो दे रखा है ऑप्शन ए में पुराण एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना ने की थी ये एकदम सही है महापदम विस्तार प्रदान किया और सर्व यानी छत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की ये एकदम सही है गिरिव्रज राजग्रह और पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी चार राजधानियां बनी ये भी सही है तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे यानी इनमें से कोई नहीं ये नहीं है इनमें से सभी आएगा इनमें से सभी तो एकदम से करेक्ट आंसर ए बी सी तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर आता है सेवन मुसत इद खां की रचना साकी मुसत इद खां की रचना मासिर ए आलमगीर को किसने मुगल साम मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी तो यहाँ बात की गई है कि साकी मुसतद की रखना रखना आसर ए आलमगीर को किसने मुगल साम्राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी तो यहाँ पर ऑप्शन है जादुनाथ सरकार ने दूसरा है कर्नल टॉड ने तीसरा स्मिथ ने चौथा है इनमें से कोई नहीं फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे बात करते हैं यहाँ मुगल शासन काल की तो मुगल शासन की जो स्थापना की थी वह बाबर ने की थी किसने की थी दोस्तों वह बाबर ने इसकी स्थापना की थी बाबर के बाद जो आया था तुम्हारा शासक वह हुमायूं आया था कौन आया था हुमायूँ बायों के बाद जो आया था अकबर 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 आया था और अकबर के बाद में आया था जहांगीर 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 के बाद में आया था आपका शाहजहां शाहजहां के बाद में आया था शाहजहां शाहजहां के बाद में आया था औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था यहां पर ये आपको याद रखना है और बाबर कहां से आया था ये मध्य एशिया से आया था कहां से मध्य एशिया से आया था से मध्य एशिया से बाबर भारत आया था और इसने स्थापना जो बाबर ने की थी वह कब की थी तो 1526 में इसने स्थापना की थी और इसका जो सबसे अंतिम जो सम्राट था वह कौन था तो बहादुर शाह बहादुर बहादुर शाह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय इसका अंतिम सम्राट था यह आपको याद रखना है और कब तक इसका शासन चला था तो 21 21 सितंबर, सितंबर 1858 तक इसने राज किया था, उसके बाद में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व हुआ भारत में और अंग्रेजी सेना ने जो अठारह का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में पूरी तरह से अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में हो गया था बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो राजधानी थी तो राजधानी जो मुगलों की जो राजधानी थी वह आगरा थी कौन सी थी आगरा आगरा और दूसरी इनकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी फतेहपुर फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी भी इनकी एक राजधानी रही थी ये आपको याद रखना है आगरा का जो ताजमहल है को बनवाया था ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के अगर आंसर की तो आंसर जादुनाथ सरकार ने ही ऐसा कहा था कि मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी किसको दी थी मासिर ए आलमगीर को किसने माशिर आलमगीर को मुगल काल का गजेटियर की संज्ञा दी थी आपको याद रखना है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे तो आपको बताना ऑप्शन ए है आलमगीर द्वितीय दूसरा शाह आलम द्वितीय तीसरा है बहादुर शाह द्वितीय चौथा है अकबर द्वितीय फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे अभी मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो आंसर इसका है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे कौन थे बहादुर शाह द्वितीय और यहाँ पर यह कब तक रहे थे तो 21 सितंबर 21 सितंबर, सितंबर अठारह तक इन्होंने शासन किया था ये लास्ट रहे थे उसके बाद में कोई मुगल शासक नहीं रहे आगे चलते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त तो सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है अनुच्छेद तीन सौ उनचास बी है अनुच्छेद पैंतीस सी है अनुच्छेद तीन सौ पचास अनुच्छेद तीन सौ इक्यावन तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर संविधान की तो संविधान के जो अनुच्छेद जो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब तीन सौ अनुच्छेद थे उसमें जब बनकर तैयार हुआ था और अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो आठ थी लेकिन वर्तमान में बारह हैं भाग कितने थे तो भाग इसमें बाईस थे और बाईस ही भाग इसमें हैं यहाँ तीन सौ अनुच्छेदों को अगर देखा जाए तो एक सौ जो सौ से ज़्यादा संशोधन होने के बाद में इसकी जो संख्या है चार सौ अड़तालीस हो चुकी है दोस्तों अधिनियम होने समय लगा था और 18 दिन का भी इसमें समय लगा था यानी इतना समय लगा था बात कर लेते हैं संविधान के पिता की तो डॉक्टर भीम राव भीम राव भीम राव अम्बेडकर अम्बेडकर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है और यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर ये यह आपको याद रखना है दूसरा अगर बात करते हैं इसका जो कि जो संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत कब किया गया था संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 26 नवंबर उन्नीस को इसको अपनाया गया था और इसको पारित कब किया गया था लागू कब किया गया था प्रभावित कब किया गया था तो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था ये आपको याद रखना है दोस्तों तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके आंसर की कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी एकदम से राइट हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट है यानी कि अनुच्छेद 350। ठीक है दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जा दिया जाता है आपको बताना अशोक को चंद्रगुप्त द्वितीय को हर्षवर्धन को इनमें से से कोई नहीं फटाफट फड़ इसका 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 आंसर 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 कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट है हर्षवर्धन हो जाएगा क्या हो जाएगा हर्षवर्धन जो कुंभ मेला का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है हर्षवर्धन को जाता है अब बात करते हैं हर्ष किस राजवंश से थे तो पुष्यभूति से थे पुष्य पुष्यभूति राजवंश से थे पुष्यभूति राजवंश से थे हर्षवर्धन और इनका जो राजवंश था वह 41 वर्ष का राजवंश था कितने वर्ष का 41 वर्ष का और इन्हें कब से कब तक किया था तो 606 से ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी से लेकर छः सौ ईस्वी तक इन्होंने राज किया था और इन्हें अंतिम हिंदू शासक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये भी आपको याद रखना है और एक चीनी यात्री था हेन शांग हेन शांग हेन शांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री भारत आया था कौन था चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर टेन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों कितने टेन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बाकी के फिफ्टीन क्वेश्चन को अभी हम कवर करने वाले हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होंगे आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है जो पायरोमीटर है वह किसके मापन में प्रयोग किया जाता है ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन ए है दाब दूसरा है घनत्व तीसरा है उच्च ताप चौथा है गहराई फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा तो दाब जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा तो पायरो जो है सॉरी उच्च ताप आपका जो उच्च ताप है एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा बात कर लेते हैं यहाँ पर पायरोमीटर की तो पायरोमीटर क्या है उच्च ताप का मात्रक उच्च ताप को मापने के काम में आता है यहाँ पर बात करते हैं दाब की तो दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है क्या होता है पास्कल होता है दाब का मात्रक और दाब क्या है एक अदिश राशि है क्या है अदिश अदिश राशि है दाब क्या है एक अदिश राशि है इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है ये आपको याद रखना है बात कर लेते हैं यहाँ पर अब घनत्व की तो घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होता है क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होता है और गहराई को आप जो मापते हैं वह मीटर में मापते हैं ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो करेक्ट आंसर है पाइरोमीटर किसके प्रयोग में मापन के प्रयोग में किया जाता है तो उच्च ताप ये बहुत ही हाई जो टेम्परेचर होता है उसके मापन में इसका प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर टू है निम्नलिखित में से कौन चुम्ब विद्युत चुम्ब की तरंग नहीं है तो एक्स किरणें प्रकाश पराश्रमित तरंगें और ऊष्मीय विकिरण फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर हो जाएगा तो विद्युत चुम्ब की तरंग कौन सी नहीं है ये आपको बताना है तो इसका जो अब बात कर लेते हैं एक्स किरणों की तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वह रोंटजन ने की थी रोंट जन ने एक्स किरणों की खोज की थी ये आपको याद रखना है कि राउंड जन ने एक्स किरणों की खोज की थी और इसका जो तरंग दर्द होती है वह दस दस से दस से जीरो पॉइंट जीरो वन होती है नैनो नैनोमीटर की इसकी जो तरंग दर्द होती है वो दस से जीरो पॉइंट जीरो एक की होती है इनको एक्स रे के लिए प्रयोग किया जाता है एक्स रे यानी हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तो उसके पहचान करने के लिए एक्स रे किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश की तो प्रकाश क्या है प्रकाश की जो चाल होती है तीन गुणा दस की घात आठ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है ये आपको याद रखना है और यह सीधी लाइन में गमन करता है किसमें करता है सीधी रेखा में गमन करता है

अवश्रव्य तरंगे होती हैं दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगें और तीसरी होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगें पराश्रव्य तरंगें तो अवश्रव्य जो होती हैं जो बीस हर्ट से जिनकी जो तरंग दर्द कम होती है वह आपकी अवश्रव्य तरंगें होती हैं और इसकी जो होती है बीस हर्ट से बीस हर्ट से बीस हजार हर्ट तक की जो तरंग दर्द होती है वह श्रव्य तरंगें होती हैं जिन्हें कि हम सुन सकते हैं और बाकी की जो बीस हज़ार से ऊपर की जो होती हैं बीस हजार हर्ट से ऊपर वाली जो तरंग की तरंग की होती हैं, वे सभी तरंगों में आती हैं, जिन्हें है कि हम अपने कानों से नहीं सुन सकते तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर था तरंगें था एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आता है निम्नलिखित में से कौन एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है तो ट्रांसफार्मर प्रवर्धक दृष्टकारी या दो लख फटाफट से इसका आंसर बताएंगे तो कौन है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर क्या होता है ये टू टाइप के होते हैं कितने टाइप के टू टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं एक होता है आपका उच्चाई उच्चाई और एक होता है आपका अपचाई अपचाई उच्चाई का क्या काम होता है ये वोल्टेज को हाई पावर में चेंज करता है यानी कि उच्च वोल्टता में यह विभव को चेंज करता है यानी कि जो कम वोल्टेज हैं उनको बढ़ा देता है अपचाई की अगर बात करते हैं तो यह ज़्यादा वोल्टेज को कम कर देता है ये आपको याद रखना है और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ प्रवर्तक की तो प्रवर्तक क्या होता है ये एम्पलीफायर होता है एम्पली एम्पलीफायर ये एम्पलीफायर होता है ये आपको याद रखना है और यहाँ दृष्टकारी की अगर बात की जाए तो यह रेक्टिफायर होता है क्या होता है रेक्टिफायर इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं ये आपको याद रखना है तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट right आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है तो कौन है वो रेक्टिफायर बदलता है ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर आता है फोर जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान नौ डिग्री सी से गिरा कर तीन डिग्री सी कर दिया जाए आपको बताना है तो ऑप्शन ए है इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा दूसरा आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा तीसरा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा चौथा पानी जम जाएगा अब यहाँ पर बात आती है देखो पानी जमने की तो पानी जीरो डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा जमता है ये आपको पता होना चाहिए और पानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका क्वनाक जो होता है वह सौ डिग्री सेंटीग्रेड होता है अगर सौ डिग्री सेल्सियस हम पानी को गर्म कर देते हैं तो वह भाव बनने लगता है तो ये आपको पता होना चाहिए और जल का जो पीएच की अगर हम बात करते हैं तो पीएच जल का कितना होता है सात होता है जल क्या है एक यौगिक है ये भी आपको पता होना चाहिए और चार डिग्री सी पर चार डिग्री सी पर जो जल का घनत्व तो होता है वह अधिक होता है जो डेंसिटी होती है जल की वह सबसे अधिक होती है चार डिग्री सी पर जल का जो सूत्र सूत्र होता है वो एच टू ओ होता है ये भी आपको याद रखना है तो बात करते हैं दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा ये आपको याद रखना है आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा नौ डिग्री सी से गिरा कर 3 डिग्री सी कर दिया जाए तो पहले आयतन घटता है फिर उसके बाद में बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन आता है हेरोइन प्राप्त होती है तो हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है ऑप्शन ए है सुपारी से दूसरा है बी आपका ऑप्शन दिया है भारतीय भाग से तीसरा दिया है अफीम पोस्ता से चौथा है तंबाकू से राइट right आंसर दोस्तों इसका आपको बताना है कि हेरोइन प्राप्त होती है तो हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है ये आपको बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है और ये ओपीएम नाम के पौधे से प्राप्त होता है कहाँ से ओपीएम ओ ओपीएम नाम के पौधे से हेरोइन प्राप्त होता है ये आपको याद रखना है और इसको खाने से क्या होता है नशा होता है दोस्तों क्या होता है नशा हो जाता है नशे की लत लग जाती है और यह मस्तिष्क पर असर करता है कहाँ पर करता है असर मस्तिष्क पर तो हेरोइन क्या है एक मादक पदार्थ है क्या है मादक है और यह नशा नशा करता है और यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है और किस पौधे से मिलता है ओपीएम के पौधे से मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अंडे से नया नया निकला टेडपोल

तो टैडपोल अब होता क्या है ये आपको बताना है तो दोस्तों जो टैडपोल होता है मेढक होता है आपने मेढक सुना है और मेढक जो होता है मेढक का जो स्टार्टिंग जीवन होता है वह जैसे ही अंडे से निकलता है तो उस अवस्था में वह क्या होता है टैडपोल होता है और टैडपोल को बैगची नाम से भी जानते हैं बैगची ये आपको याद रखना है बैगची बैगची नाम से भी टेडपोल को जाना जाता है और टेडपोल जो एक ऐसा प्राणी है जो कि बाद में चलकर जो मेडक होता है मेडक मेडक ये उभयचर होता है क्या होता है उभयचर उभयचर होता है ये यानी कि ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बिना भी रह सकता है ये मेडक उभयचर है और इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वह राना राना टिगरीना ना राना टिगरी ना इसका जो होता है बायोलॉजिकल नेम होता है ये आपको याद रखना है अब बात करते हैं यहाँ पर कि वह सांस कैसे लेता है नया टेडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है तो वह बाहरी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है किसके माध्यम से बाहरी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ताप स्थाई खाली जगह स्थिर बनाए रखने का एक साधन है तो विद्युत प्रवाह ताप दाब, और खाली है, रिक्त, इर, बनाए रखने की, का साधन है तो यदि आपको बताना है तो वह फटाफट से विद्युत प्रवाह को स्थिर बनाए रखता है ताप को स्थिर बनाए रखता है दबाव को या ऊष्मा विकिरण को करेक्ट आंसर है इसका बताएंगे क्या हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है ताप 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 स्थिर बनाए रखने का एक साधन है ये आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आता है निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है फटाफट से बताएंगे आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है सहवाल है सेम है प्रोटीन है और गेहूँ है इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे फटाफट से इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह शैवाल हो जाएगा क्या हो जाएगा शैवाल शैवाल को पर्ण हरित इसमें पर्ण हरित की मात्रा जो होती है पर्ण हरित पर्ण हरित की जो मात्रा होती है वह काफ़ी अधिक होती है इसीलिए यह हरे रंग का होता है पर्ण हरित की वजह से यह क्या होता है हरे रंग का होता है और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है तो पानी में पानी में यह पाया जाता है रुका हुआ जो पानी होता है रुका हुआ रुका हुआ जो पानी होता है उसमें अधिक पाया जाता है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित तो गुण के कारण होती है तो किस गुण के कारण पृष्ठ तनाव श्यांता घनत्व और बास्पदाव राइट right आंसर इसका बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो द्रव की बूंद है द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर ए बी सी डी जो भी आपका राइट right आंसर है आप फटाफट से कमेंट करेंगे तो ऑप्शन ए एकदम से राइट right आंसर हो जाएगा जो पृष्ठ तनाव है वह द्रव की बूंद को न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वह क्या होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है अब पृष्ठ तनाव का जो आपका

इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है ये आपको बताना है तो एक प्रकाश वर्ष जो है इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है यहाँ पर ऑप्शन है दस की घात आठ मीटर दूसरा दस की घात बारह मीटर तीसरा दस की घात पंद्रह मीटर चौथा दस की घात अठारह मीटर अब प्रकाश वर्ष क्या है या किसकी मात्रक है ये आपको बताना है तो वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है किसका मात्रक है दूरी का मात्रक है क्या है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और यह किसके सर्वाधिक समीप है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट फाइव ट्रिलियन ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है ये आपको याद रखना है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो दस की घात वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप होता है तो नाइन पॉइंट फाइव गुणा टेन टू की पावर फिफ्टीन यहाँ पर ये यह आता है और इसके आने के बाद में ये आपका पंद्रह है पंद्रह से कम नहीं है यहाँ पर कोई तो ये ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप होता है तो दस की घात पंद्रह के समीप होता है मीटर के समीप होता है और इसको हम दस की घात सोलह यानी ये वाला जो लिखा है इसको दस की घात सोलह मीटर भी लिख सकते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आता है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों पकता है प्रेशर कुकर में खाना आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर बताएंगे तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है किस कारण है क्या कारण है इसका जो खाना कम समय में पकता है तो बताएंगे इसका राइट आंसर अधिक दाब के कारण उबलने उबलते पानी का ताप कम हो जाता है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है और प्रयुक्त पानी का बाष्पन बहुत कम होता है करेक्ट आंसर इसका बताएंगे क्या आंसर इसका हो जाएगा फटाफट से करेक्ट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अधिक दाब के कारण पानी उबलने उबलता है तो पानी उबलने का ताप बढ़ जाता है उबलते पानी का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है ऑप्शन सी एकदम से राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन देख लेते हैं बारहवा क्वेश्चन है अभी काफ़ी चार पाँच क्वेश्चन और हैं इसमें तो यहाँ पर व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है क्यों झुक जाता है तो थकान कम कर सके इसलिए या संतुलन बनाया जा सके इसलिए या फिसलन कम से बच सके इसलिए या गति बढ़ा सके इसलिए तो राइट आंसर इसका बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा जो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे से आगे की ओर इसलिए झुक जाता है तो किस लिए झुक जाता है वो तो संतुलन बनाए रखने के लिए झुकता झुकता है है संतुलन बनाए रखने के लिए वह झुक जाता है आगे की तरफ और संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो गुरुत्व केंद्र बनाए रखने के लिए भी कह सकते हैं तो गुरुत्व 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 केंद्र एक सेकेंड गुरु गुरुत्व केंद्र बनाए रखने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं तो लाइकेन जो होता है उसको किस लाइक like इनको वो सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए है परमेलिया को दूसरा है रोसेला को तीसरा है इंडोकॉर्पन को चौथा है क्लोडोनिया को राइट right आंसर इसका बताएंगे दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोकॉर्पन को वह जापान के जो लोग होते हैं वह सब्जी के रूप में खाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन आता है आंसू गैस में प्रयुक्त होता है तो आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए है क्लोरो दूसरा है ब्रोमो क्यू सोना, तीसरा है फ्लोरो चौथा है क्लोरो एसिटोक्टोक्यूसोन फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्लोरो है क्लोरो अब बात कर लेते हैं आंसू गैस की तो तो गैस गैस क्या है? तो का जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया था वह प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था किसमें किया गया था प्रथम प्रथम विश्वयुद। विश्व युद्ध विश्व विश्व युद्ध में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और ये अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस इसका उपयोग करती है और इसके क्या नुकसान हैं ये आँख और नाक में जलन पैदा करती है किसमें आँख में और नाक में ये क्या करती है जलन पैदा करती है कौन सी गैस आंसू गैस आपको ये याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी तो क्यों टूट जाएगी जमने पर बोतल सिकुड़ती है दूसरा जमने पर जल का आयतन घट जाता है तीसरा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है चौथा कांच ऊष्मा का कुचालक है तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे जो पानी की जो भरी बोतल होती है तो वह जमने पर क्या होता है टूट जाती है आपने देखा होगा यदि आप फ्रीज़र में कोई भी बर्तन है उस बर्तन में आपने क्या किया जल भर दिया और पूरा लेवल तक आपने अगर जल भरा है तो वह जमने के बाद में दोस्तों क्या इस तरह की संरचना आ जाती है उसमें ऊपर थोड़ी सी बीच में से बर्फ़ जो है ऊपर उठ जाती है जैसे ही जल की बर्फ़ बनती है तो वह ऊपर उठ जाती है तो उसका आयतन क्या होता है बढ़ जाता है यदि हम कोई फिक्स यहाँ पर हमारे पास पॉट है कोई बर्तन है उसको हमने क्या काम किया पूरा भर दिया और फ़िक्स कर दिया उसमें जो बर्फ़ बनेगी तो ये क्या होगा टूट जाएगा क्या होगा ये टूट जाएगा तो उसी तरह लगी डाट बोतल भी क्या होती है आयतन बढ़ जाने के कारण में दोस्तों वह टूट जाती है क्या हो जाता है आयतन बढ़ने के कारण वो टूट जाती है ये आपको याद रखना है तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन आपके इस सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं जो भी रिलेटेड फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उनको भी इसमें कवर किया गया है यदि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करें उसमें सुधार की अगर गुंजाइश होगी तो किया जाएगा और दूसरा हमारी टीम के द्वारा उसका करेक्ट आंसर निकाल कर आप तक अगले सेशन में पहुंचा दिया जाएगा तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए आइकन को भी अवश्य दबा लें जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि एक हज़ार क्वेश्चन की सीरीज हमारी जो हिंदी के हैं एस एस सी जी डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह चल रही है दोपहर एक बजे से प्रतिदिन वह आती है और उसको आप जरूर देखिए क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो दोस्तों इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए नमस्कार